नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम, कक्षा 9, क्षितिज भाग 1, काव्यखंड का पाठ 2 ललद्य द्वारा रचित वाक्य समझाऊंगी। ललद्य का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पांपौर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललद्य को ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललद्य की काव्य शैली को वाक् कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी के चौपाई और अस्कान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह ललद्य के वाक् प्रसिद्ध है। अपने वाक्यों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं के ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्य की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं, भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललद्य की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। यहाँ ललद्य के 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक्य में ललद्य ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य अडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे भाग में कवित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती है कि भव सागर से पार जाने के लिए सत्कर्म की सहायता होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में है। ललद्य ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीरा कांत ने किया है। पहला वाक्य है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जीव में उठती रह रहो, घर जाने की चाह है गेरे। इसमें कवयित्री कहती है कि मैं जीवन रूपी नाव जो खींच रही हूँ, कच्ची रस्सी यानी अपनी सांसों की तुलना कच्चे रस्से के धागे से करती है। तो कवयित्री कहती है कि मैं ऐसी सांस की अपनी सांस से रूपी इस नाव को भव सागर में अपनी जीवन रूपी नैया को पार लगा रही हूँ, न जाने और कब मेरी पुकार सुनेंगे और इस भव सागर से मुझे पार करेंगे, ईश्वर मुझे इस भव सागर से कब पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, जिस तरह कच्चे बर्तन में अपने पानी डालने पर वो पानी नीचे गिर जाता है, वो टिकता नहीं है, उसी तरह मेरे जीवन में जो मैं प्रयास कर रही हूँ ईश्वर को प्राप्त करने के, जितने भी प्रयास है वो व्यर्थ बेकार हो रहे हैं और उस कच्चे घड़े की तरह ही मेरे वो प्रयास बेकार जा रहे हैं। जी में उठती रह रहा हो, घर जाने की चाह है मेरे। तो ऐसे रह रहा है हुक यानी दुख भरी आह, तो अपनी जीवन में रह रहकर यही आह निकल रही है कि न जाने कब मुझे ईश्वर के घर जाने का समय मिलेगा, कब मुझे ईश्वर के घर जाने का समय आएगा और कब मैं ईश्वर के द्वार पहुँचूँगी। जो मेरे सारे प्रयत्न हैं वो बेकार हो रहे हैं और मैं जीवन ने जीवन रूपी नैया इस कच्चे धागे की तरह खींच रही हूँ। इस तरह कवि कवित्री पहले पद में कहती है, दूसरे पद में ये समझाती है कि जो अपने जीवन में पाया है
और जो नहीं पाया है। लेकिन इस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में समझाती है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। कवित्री कहती है कि मैंने जो कुछ खाया है, यानी अपने जीवन में कुछ पाया है और नहीं पाया है, उसका कुछ भी कोई सार नहीं। यानी अपने जीवन में मैंने सद्भाव सत्कर्म कुछ नहीं किए हैं और कुछ काम नहीं किया, और जो नहीं बनाया अपने जीवन में जो कुछ भी सद्भावना नहीं ली है, और मान लो थोड़ी बहुत भी ली है, तो उसके प्रति मेरे मन में अहंकार हो गया है, तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन ईश्वर की प्राप्ति कब होगी कि जब हम दोनों को समानता की भावना रखेंगे, नहीं हमारे मन में अहंकार होगा, नहीं हम कुछ ज़्यादा खा पाएंगे, यानी अत्यधिक ग्रहण करने से भी नहीं और अत्यधिक त्यागने से भी हमारे मन में ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। इसे समभावना की भावना होनी चाहिए, यानी समानता की भावना होगी, तभी हमारे मन में बंद द्वार खुलेंगे, यानी ईश्वर की प्राप्ति होगी। तीसरे वाक में कवित्री कहती है कि जो मेरे जीवन में मैं आई तो सीधी थी, लेकिन सीधी नहीं रही, यानी इस जीवन में आई सीधी राह से गई न सीधी राह। इस जब मेरा जन्म हुआ तब मेरे मन में कुछ भी अहंकार, लोभ, लालच, ईर्ष्या ऐसे कुछ भी नहीं था, लेकिन गई न सीधी राह। लेकिन जब इस जीवन रूपी नैया को मैं पार कर रही हूँ, यानी अंतिम सांस ले रही हूँ, तब मेरे मन में ये सारे भाव आ गए हैं, यानी अहंकार की भावना आ गई, दोष विदोष सारे कष्ट सारे मेरे मन में आ गए हैं। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। सुषुम सेतु यानी नाड़ी रूपी पुल। तो कवित्री कहती है कि मैं ऐसे पुल पर ऐसी जगह खड़ी हूँ जो पूरा दिन बीत गया, यानी पूरी जीवन बीत गया है ईश्वर को प्राप्त करने पे। लेकिन उसी समय वो सोचती है, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दू क्या उतराई। जब ईश्वर के द्वार में पहुँचूँगी, यानी इस संसार से मैं पार होंगी, तब मेरे पास में सत्कर्म के कोई भी नहीं है, यानी कोई कोड़ी ना पाए, यानी सत्कर्म नहीं, अपने जीवन में कुछ भी अच्छे कार्य नहीं किए हैं। माझी यानी नाव को पार लगाने वाला, तो मैं उस माझी को यानी उस ईश्वर को, माझी यानी ईश्वर को बताया है, तो ईश्वर को मैं क्या उतराई दूंगी, यानी मुझे जो इस भव सागर से पार करेंगे, तो मैं इनको सत्कर्म रूपी, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं हैं, तो उन माझी को ईश्वर को मैं क्या उतराई दूंगी, यानी क्या उनको दूंगी कि मुझे भव सागर से पार कर दे। इस तरह कवित्री अपने जीवन में सत्कर्म के बारे में बताती है। चौथा वाक, थल थल में बसता है शिव की, भेद न कर क्या हिंदू मुस्लिम, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री कहती है कि थल थल यानी हर जगह कण कण में ईश्वर का निवास है, यानी शिव का निवास है। भेद न कर क्या हिंदू मुस्लिम, तू ईश्वर ने सिर्फ इंसान बनाए, हिंदू और मुसलमान सिर्फ इंसान ने बनाए, इसलिए तू हर इंसान के मन को भेदभाव करना छोड़ दो, ये हिंदू और मुस्लिम करना छोड़ दो। कहते हैं कि ज्ञानी वही है जो स्वयं को पहचान लेता है, यानी अपने आप को पहचान लेता है, वही ज्ञानी कहलाता है, क्योंकि ईश्वर की आत्मा यानी ईश्वर हर कण कण में निवास है, ईश्वर श्वासों में वास करता है। इसीलिए कवित्री कहती है कि जब इंसान अपने आप को पहचान लेगा, अपने आप को जान लेगा, तो वह ही ईश्वर से पहचान भी कर लेगा, यानी साहब से पहचान कर लेगा, यानी ईश्वर को जान लेगा। इसलिए कवित्री कहती है कि ईश्वर को एक ही रूप मानो, हो इंसान में भेदभाव करना छोड़ दो, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम सिर्फ ईश्वर ने नहीं बनाए, बल्कि मनुष्य ने बनाए, ईश्वर ने सिर्फ इंसान बनाए है। इसलिए इंसान की पहचान करनी है, भगवान की पहचान करनी है, तो अपने आप को पहचानना होगा।
थैंक यू।